हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना यादव्स किचन। आज मैं बना रही हूँ मिल्क पाउडर से बर्फ़ी। मिल्क पाउडर से बर्फ़ी हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसको बनाने का तरीका बहुत ही इजी है और ये बहुत जल्दी बन जाती है, बिल्कुल बाजार जैसी हलवाई स्टाइल में बन जाएगी। आइए तो मैं बताती हूँ। मैंने लिया है 2 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप दूध, घी लिया है इसमें मैंने 1/4 कप, थोड़ा सा कम ही डालेंगे हम, इतना घी नहीं डालेंगे, और 1/4 कप मैंने ली है चीनी। चीनी मैंने पीस ली है और इसके अंदर इलायची डाली थी, इलायची को भी चीनी के साथ में हमने पीस लिया है। तो चलिए अब हम हमारा मिल्क पाउडर की बर्फ़ी बनाते हैं। सबसे पहले हम पैन के अंदर दूध डालेंगे, हम गैस ऑन कर देते हैं, हमने पैन में दूध गरम रख दिया है, हमारा दूध हल्का सा गरम हो चुका है। अभी हम इसमें घी ऐड करेंगे, घी हमने ज़्यादा नहीं, मैंने 1/2 लिया है घी। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे, हमारा दूध और घी मिक्स हो गया है। अभी मैं इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। मिल्क पाउडर जब हम ऐड करें तो हमको गैस फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, हाई फ्लेम में। मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में भी बताया था, हाई फ्लेम में हमने मिल्क पाउडर को नहीं मिक्स करना है, नहीं तो इसमें ये जल जाता है, चैट जाता है नीचे और इसमें लम्ब्स पड़ जाएंगे अगर हम इसको कंटिन्यूटी में नहीं हिलाएंगे। ये देखिए, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर हमारी शुगर ऐड करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हमने मिल्क पाउडर को ऐड करना है तब हम गैस फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, उसके बाद में आप चाहें तो मीडियम फ्लेम पे थोड़ी सी देर के लिए इसको कर सकते हैं कि आपकी शुगर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने शुगर अच्छे से मिक्स कर ली है, हम इसको लो फ्लेम पर ही, मैंने इसमें हल्का सा घी और डाला था, थोड़ा सा घी ऐड और किया था, मेरे को थोड़ा घी की कमी लगी थी इसमें इसीलिए। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हमने जो चीनी डाली थी वो थोड़ी देखिए पतला है अभी, क्योंकि हमने इसमें भी पिसी हुई चीनी डाली थी। अगर हम इसमें साबुत चीनी, चीनी बिना पीसे डालेंगे तो वो थोड़ा टाइम लेगी पिघलने के लिए और हमारा जो ये मिल्क पाउडर की जो बर्फ़ी है वो बिगड़ जाएगी, इसलिए आप कोशिश करें कि आप चीनी को पीस करके ही डालें। जब हमारा ये, हम इसको अभी गाढ़ा करेंगे, जैसे कि अभी ये बर्तन में हमारे में चिपक रहा है, इसका पानी बिल्कुल चीनी का जो है वो उड़ जाएगा तो ये एकदम टाइट फॉर्म में आ जाएगा और रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो बीच में हल्का सा फ्लेम तेज कर लें, एकदम हाई भी नहीं, मीडियम फ्लेम पे, और इसको कंटिन्यूसली आपने हिलाते जाना है, हाथ रोकना नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अभी थोड़ा सा फ्लेम इसका मीडियम रखा था, मैंने आपको बताया था, जैसे कि अभी मैंने इसको वापस लो कर दिया है एकदम, और इसको मैं बराबर हिला रही हूँ, बीच में रुकी नहीं हूँ।
देखिए अभी पहले से थोड़ा ये थिक हुआ है। देखिए हमारा खोया बिल्कुल सही थिक हो गया है। अब ये बर्फी जमाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये गाढ़ा हो गया है। अभी हम एक प्लेट में फॉइल लगाएंगे और उस पर हल्का सा घी लगा करके उस पर इसको लगा देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने प्लेट पे फॉइल लगा दी है। आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। गैस फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अभी हम इस पर हमारा डो रखेंगे। सारे डो को इस पर फैला देंगे। हम इसको पलटे से या किसी भी प्लेन चीज की हेल्प से बिल्कुल समतल कर लेंगे, फ्लैट। अब आप चाहें तो इसके ऊपर बादाम, पिस्ता, जो भी ड्राई फ्रूट लगाना चाहें आप उसको लगा सकते हैं। मैं बादाम लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास में घर पे बादाम अवेलेबल है। और आप अगर चाहें, अगर आपके पास में कुछ है या नहीं है तो आप कुछ चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, वो सब आपकी इच्छा है। देखिए मैं इसमें बादाम लगा रही हूँ। आप चाहें तो पिस्ता भी लगा सकते हैं, या आपकी इच्छा है कुछ ना लगाना चाहें तो आप कुछ नहीं भी लगा सकते हैं। आपके ऊपर है कि आपको कैसे पसंद आती है। ये बिल्कुल हलवाई, जैसे कि हम जाते हैं लेने के लिए हलवाइयों से के पास में, बिल्कुल वो की वो मिठाई बन चुकी है हमारी। और इसको बनाने में हमको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। इसको मैं हल्का हल्का सा दबा दूँगी, प्रेस कर दूँगी। जब ये हमारी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, अभी मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी, सॉरी। और जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी मैं इसमें कट लगा दूंगी। हमारी होममेड मिल्क पाउडर से बनी हुई बर्फी बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय।